Hi students, welcome back to my channel, in fact, your YouTube channel, English Pandit. In this video, we are going to talk about 30 new one word substitution. As you have known, we have already completed a 240 one word substitution. In this lecture series, we are going to cover another new 30 new one word substitution. I hope you all have watched the previous sessions and I urge you all to watch this session till the end to get maximum benefit. So, without any delay, let's start today's session. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज के सेशन का हमारा पहला वन वर्ड क्या है वन हु नोज एवरीथिंग क्या है जिसको सब कुछ पता होगा यानी कि जिसे सब कुछ पता होगा दैट मीन वन हु नोस एवरीथिंग जिसे सब कुछ पता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओमनी बोलेंगे क्या बोलेंगे ओमनी ओमनी मतलब ओमनी का मतलब क्या होता है ऑल होता है ठीक है तो ओमनी का मतलब क्या होगा सर्वज्ञ यानी कि जिसको सब कुछ पता होगा यानी कि वन हु नोस एवरीथिंग हम उसको क्या बोलेंगे ओमनी बोलेंगे ठीक है जैसे कि यहां पर क्या आप लोग जैसे कि आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख लीजिएगा जैसे कि गॉड इज ओमनिशेंट यानी कि भगवान को सब कुछ पता होता है यानी कि ही हैज परफेक्ट नॉलेज यानी कि उनको सब कुछ मालूम होता है यानी कि वो क्या होते हैं भगवान क्या होता है या फिर गॉड क्या होते हैं सर्वज्ञ होते हैं यानी कि वो ओमनी होते हैं दैट मीन्स हम लोग सम अप करके क्या बोल सकते हैं वन हु नोस एवरीथिंग यानी कि जिसे सब कुछ पता होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे ओमनी ठीक है और और एक उसका वर्ड है जो हर जगह पे प्रेजेंट होगा यानी कि वन हु प्रेजेंट एवरी उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे क्या बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट ठीक है आई होप आप लोगों को ये मालूम चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है वन हु लिस सीक्रेटली टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशन यानी कि जो आदमी क्या करता है दूसरे के सपोज मान लीजिए पर्सन ए यहाँ पे खड़ा है पर्सन बी और पर्सन सी के बीच में बातचीत चल रहा है ये आदमी क्या पर्सन ए क्या कर रहा है जानबूझकर उनके बातों को सुन रहा है यानी कि सीक्रेटली सुन रहा है उनके जो उनके बीच में जो प्राइवेट कन्वर्सेशन यहाँ पे कुछ भी हो रहा है वो सुन रहे हैं हम लोग पर्सन ए को क्या बोलेंगे ये जो काम कर रहा है इवेस्ट ड्रॉपर बोलेंगे क्या बोलेंगे इवेस्ट ड्रॉपर है ठीक है यानी कि छिपकर बात को सुनने वाला यानी कि जो छुप छुप कर बात को सुनता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे इवेस्ट ड्रॉपर ये बार बार पूछा जा चुका है और आपको आगे के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं वन हु लिसन्स केयरफुली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन हम लोग क्या बोलेंगे इवेस्ट ड्रॉपर जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिएगा पिक्चर में क्या दिया गया है ये दोनों पर्सन बी और पर्सन सी दोनों के आपस में बात कर रहे हैं कुछ भी प्राइवेट बात हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये पर्सन ए क्या कर रहा है उनको उनको क्या सीक्रेटली उनको सुन रहा है उनके जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसको सुन रहा है तो पर्सन ए को क्या बोला जाएगा ई वेस ड्रॉपर बोला जाएगा ठीक है आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है गवर्नमेंट बाय किंग ठीक है यानी कि राजा किंग क्या होता है राजा होता है राजा का द्वारा जो शासन किया जाता है या फिर जो जिस कंट्री या जिस जगह पे राजा के शासन हम लोग के कैसे शासन हो रहे हैं हम लोग का डेमोक्रेसी है यानी कि हम लोग वोट देके लोगों को चुन के कहाँ भेजते हैं पार्लियामेंट में भेजते हैं बाद में वो लोग हमको गवर्न करते हैं मगर जब जो जो गवर्नमेंट किंग से चलता है यानी कि वो किंग डिसीजन मेकर होता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे मोनार क्या बोलेंगे मोनार्ची जो कि पिछले मतलब सत्रह सौ शताब्दी ये सिक्सटीन हंड्रेड एडी पे वो सब हो रहा था मोनार्ची जो कि खत्म हो चुका है अभी आप लो हम लोग हम यानी कि मोनार्ची का मतलब क्या है राजशाही यानी कि राजतंत्र या फिर राजशाही जैसे कि आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए ये कौन है प्रिंस चार्ल्स है ब्रिटेन के ये उनका है क्वीन है जो अभी भी मतलब ब्रिटेन में क्या चल रहा है मोनारची चल रहा है लिटिल बिट मे इन लोगों का वैल्यू है अभी भी तो ज़्यादातर ज़्यादातर कंट्री में अभी मोनार्ची नहीं चल रहा है अब ज्यादातर क्या हो गया है डेमोक्रेसी हो गया है या फिर रिपब्लिक वगैरह हो गया है मगर मोनार्ची बहुत कम कंट्री में है फिर भी जिस कंट्री जो कंट्री में फिर भी जो कंट्री में किंग से रूल होता है वो हम लोग उसको क्या बोलेंगे मोनार्ची बोलेंगे ठीक है आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन और देख लेते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा क्या है वायोलेशन ऑफ द स्कैंटिटी ऑफ ए सैक्रेट प्लेस क्या है वायोलेशन ऑफ द स्केंटिटी ऑफ द सेक्रेट प्लेस मैं उसको मैं उसको जानबूझकर कोई पिक्चर नहीं लगाया हूँ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सैक्रिलेज क्या है सेक्रिलेज बोलेंगे यानी कि अपवित्रकरण ठीक है यानी कि आप, आप लोग देख लीजिए सपोज मान लीजिए आप किसी भी धर्म का हो आपका कुछ वैल्यूएबल एम्बलेम होगा ऐसा कुछ होगा हर एक के धर्म में कोई ना कोई वैल्यूएबल एम्ब्लेम होता है मगर उसको अगर उसको अगर कोई वायोलेट करता है यानी कि उसका पवित्र स्केंटिफ स्कैंटिटी का मतलब क्या है ये पवित्र होता है यानी कि प्योर होता है क्या होता है प्योर होता है जो प्योरिटी को जो वेस्ट करता है यानी कि वायोलेशन करता है यानी कि वो सैक्रेड सैक्रेड मतलब ही पवित्र होता है स्केंटिफ स्कैंटिटी मतलब जो सपोज मान लीजिए हमारे जैसे हमारा हिंदू धर्म में ओम होता है हमारा हिंदू धर्म में ओम वगैरह जैसे होता है या फिर ये स्वस्तिक चिन्ह होता है जो स्वस्तिक चिन्ह होता है अगर हम लोग इसको स्केंटिफाई करेंगे यानी स्केंटिटी करेंगे इसको अगर हम लोग पवित्र मानेंगे क्या सॉरी इसको हम लोग अगर, अगर अपवित्र करेंगे यानी कि वायोलेट करेंगे तो फिर उसको क्या बोला जाएगा सैक्रिलेस बोला जाएगा यानी कि हम लोग इसको क्या, करे? क्या करें अपवित्र कर रहे ठीक है क्या कर रहे अपवित्र कर रहे यानी कि सपोज मान लीजिए आप किसी भी भगवान को पूजा करते हो या फिर गॉड को अल्लाह या फिर कृष्ण को कुछ किसी को भी कोई भी धर्म का हो अगर उनका जो विलीप है या फिर उनका जो आइडियोलॉजी है उनका उनका कुछ भी जो पैटर्न है उनको जो पूजा करते हैं अगर उसको दूसरा कोई धर्म का आके उसको क्या करते? करता है वायोलेट करता है या फिर उसको सैक्रीलेस सैक्रेट उनका जो सेक्रेट चीज़ होता है उसको अगर स्कैंडिटी करता है यानी कि अपवित्र करता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे सैक्रीलेज बोलेंगे क्या बोलेंगे सैक्रिलेज दैट मीन्स अपवित्रकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा ये आपको एंटोनिम और सिनोनिम में भी देखने को मिल सकता है ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वन हमारा क्या है द सेरेमनी ऑफ ए क्राउनिंग ऑफ एन ऑफ ए सोबर और ए किंग यानी कि किंग जो राजा अभिषेक होता है यानी कि राजा को मतलब युवराज जो होते हैं घोषित किया जाता है उनको अगर किंग बनाया जाता है जिस मतलब जिस सभा में या फिर जिस प्रोसेस में किया जाता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे कोरोनेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे कोरोनेशन यानी कि अभिषेक क्या बोलेंगे युवराज जब राजा बनता है उसको हम लोग कोरोनेशन बोलते हैं या फिर राज्य अभिषेक बोल सकते हैं जैसे कि आप लोग देख लीजिए सपोज मान लीजिए ये युवराज है ये अभी के फिलहाल के राजा है ये क्या करे इनका जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो नहीं मान सकते इनका जो दायित्व है इसको स्थानांतरित कर रहे हैं या फिर इनको राजा बनाया जा रहा है इस पर्सन को तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये जो प्रोसेस चलता है या फिर जो फेस्टिवल होता है उसको हम लोग कोरोनेसन बोलेंगे क्या बोलेंगे कोरोनेशन बोलेंगे ठीक है आई होप आप लोग ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है रूम हुआ डेड बॉडीज आर केप्ट ऑन टिल ब्यूरियल क्या है जिस रूम में क्या होता है जब आदमी जब मर जाता है मतलब जब जब तक वो ब्यूरी नहीं होता या फिर उसको फायर नहीं लगाया जाता जब तक वो जिस जगह पर रहता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं मॉर्चुअरी बोलेंगे क्या बोलेंगे मॉर्चुअरी क्या बोलेंगे मॉर्चुअरी यानी कि मुर्दा घर जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो इन लोगों का देहांत हो गया या फिर इन लोगों का डेथ हो गया है अब तक इन लोगों को इन लोगों को ब्यूरोल नहीं किया गया है क्या इनकी क्या नहीं किया गया है इन लोगों को ब्यूरियल नहीं किया गया या फिर इनको फायर नहीं लगाया गया है ये जो जिस रूम पे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे मॉर्चुअरी या फिर मुर्दा घर बोलेंगे ठीक है ये भी बहुत आसान था आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ चुका होगा इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा इसको आप लोग ज्यादातर रिवाइज कर लीजिएगा दो तीन बार रिवाइज करने के बाद ये आपको अपने आप से ही याद रह जाएगा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है रॉफ वायोलेंट और ट्रबल सम पर्सन यानी कि वो रफ मतलब क्या होता है रॉफ का मतलब तो ईजी होता है आप लोगों को पता होगा मतलब क्या अनइजी पर्सन होता है यानी कि वो अच्छा आदमी नहीं होता है, या फिर वायोलेंट होता है तुरंत वायलेंट हो जाता है या फिर ट्रबल सम पर्सन होता है यानी कि जो जिसके जो दूसरों के लिए ट्रबल लाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे टाटर बोलेंगे ये एक नया वर्ड है आप लोग इसे इंपॉर्टेंट करके अलग से और एक बार रिवाइज कीजिएगा ठीक है जिसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो ज़्यादा ज़्यादातर रिवाइज कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने का चांसेस इसका बहुत है ठीक है टाटर का मतलब क्या है क्रोधी व्यक्ति क्या है क्रोधी व्यक्ति जो ऑफ होगा या फिर वायलेंट होगा या ट्रबल सम पर्सन होगा वो तो डेफिनेटली क्या होगा क्रोधी हो जाएगा यानी कि वो टार्टर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंग्री हो सकता है मगर ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड में चला जाता है इसको आप लोग को इम्पोर्टेंट करके इसको ज़्यादा बार रिवाइज करना पड़ेगा जैसे कि आप लोग देख लीजिए ये कितना ये कैसा टार्टर जैसा बिहेव कर रहा है यानी कि ये कैसा वायोलेंट बिहेव कर रहा है उसका जो कपल है या फिर उसका गर्लफ्रेंड है या उसका वाइफ है कुछ भी हो सकते हैं हम लोग नहीं मान सकते उसका बहन भी हो सकते हैं मगर ये कि आदमी क्या कर रहा है उसको साथ रफली बिहेव कर रहा है या फिर वायोलेंट बिहेवियर कर रहा है हम लोग इसको क्या टार टार बोलेंगे टार्टार बोलेंगे टार, टी टी आर आर ठीक है ये बहुत आसान था टाटा टाटार बोल सकते हैं यानी कि क्रोधी व्यक्ति या फिर वायोलेंट या फिर ट्रबल पर्सन बोल सकते हैं ठीक है ठीके? तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन ठीक है यानी कि कुछ लोग का समूह है यानी कि वो लोग काम करते हैं मिलके उनके उनके आगे जो चीफ होता है उनके सपोज मान लीजिए दस आदमी काम करे एक कंपनी में या फिर एक यूनिट में टेन आदमी काम करे उनमें से कोई तो चीफ होगा यानी कि नौ आदमी लेबर हो गए या फिर कुछ भी उनका डेजिनेशन होगा एक आदमी उनको सुपरवाइज़ करता होगा क्या करता होगा सुपरवाइज करता होगा या फिर उन लोगों को क्या करता होगा उन लोगों का लीडर होता होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे फोरमैन फोरमैन बोलेंगे बोलेंगे क्या बोलेंगे? ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होता है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये फोरमैन का वर्ड यूज होता है आप लोग कभी एडिटोरियल जब पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को डेफिनेटली मिलेगा ठीक है तो फोरमैन क्या होता है चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन यानी कि कुछ लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का जो चीफ होता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे फोरमैन बोलेंगे क्या बोलेंगे फोरमैन बोलेंगे ठीक है यानी कि वह आदमी जो दूसरे के ऊपर रखा गया है यानी कि नौ आदमी के ऊपर जो जिस आदमी को वो डिजिग्नेशन दिया गया है हम लोग उसको क्या बोलेंगे फोरमैन बोलेंगे जैसे कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ये आदमी क्या है इसे हम लोग फोरमैन बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है इन दोनों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है शायद डेफिनेटली यहाँ पर हम जो यहाँ पे हाईपोथो हाई हाइपोथेटिकली सिचुएशन से देख सकते हैं ये आदमी डेफिनेटली फोर मैन होगा क्योंकि ये उनको इंस्ट्रक्ट कर कर रहा है जैसे कि दिख रहा है पिक्चर में आप लोग ये कीजिए वो कीजिए शायद इन लोगों का ये चीफ होगा ठीक है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे फोर मैन बोलेंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा आँग क्या है बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ठीक है यानी कि दोनों फैमिली में बहुत दिनों से क्या चल रहा है मतलब झगड़ा चल रहा है बिटर क्वारल चल रहा है तो हम लोग उस जगह उस चीज़ को क्या बोलेंगे फ्योर बोलेंगे क्या बोलेंगे फ्योर यानी कि झगड़ा मतलब झगड़ा में वो लोग लगे हुए हैं या फिर झगड़ा चलते आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्योर्ड बोलेंगे जैसे कि यहाँ पर मुझे कोई फैमिली ऐसा दिखाई नहीं दिया मैंने जानबूझकर दो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर उनको दोनों 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 का अलग अलग आइडियोलॉजी है उनको पिक कर लिया हो ताकि आप लोग को आसानी से पता चल जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते झगड़ा लगा रहता है आईएनसी कभी बीजेपी को ब्लेम कर रही है बीजेपी कभी आईएनसी को ब्लेम करे तो फिर क्या है? ये जब से दोनों पार्टी क्रिएट हुए या फिर ये जो एग्जिस्टेंस में आए हैं ये लोग तब से क्या करे दूसरे ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं ब्लेम गेम खेल रहे हैं तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज हम लोग टू पॉलिटिकल पार्टीज भी ले सकते हैं यहाँ पर टू पॉलिटिकल पार्टीज भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर टू कंपनीज भी बोल सकता है थोड़ा ट्विक करके भी पूछ सकता है जैसे कि बच्चे फंस जाते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा दोनों पार्टी में या फिर दोनों फैमिलीज में अगर बहुत दिन से क्वारल चलता होगा बिटर क्वारल हम लोग उसको क्या बोलेंगे फ्योर बोलेंगे क्या बोलेंगे फ्योर्ड बोलेंगे यानी कि झगड़ा बोलेंगे ठीक है आई होप ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है एनिमल्स विदाउट ए बैकबोन यानी कि जिस एनिमल में बैकबोन नहीं होता है यानी कि डेफिनेटली स्पाइनल कॉड नहीं होगा ऐसे मान सकते हैं उनका बैकबोन जो हमारा होता है स्पाइनल कोड होता है जो हमें इरेक्ट करके रखता है उस चीज़ उनके पास नहीं होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे इन भट्टी क्या बोलेंगे इन भट्टी ब्रेड इज बहुत आसान है जो लोग साइंस पढ़ते होंगे उनको पता होगा या फिर जो एस एस सी का प्रिपेरेशन करें सबको पता होगा यानी कि आप लोग हिंदी को इग्नोर कीजिएगा देख लीजिएगा आप लोग इंग्लिश से देख लीजिए इन इनवर्टिब्रेट बोलेंगे ठीक है जैसे कि देख लीजिए अर्थवर्म होता है इनवर्टिब्रेट होता है इसका कोई बैकबोन नहीं होता है सेंटिपेड होता है कार्प स्पाइडर फ्लाई होता है सी उर्चिन वेल्क होता है सी ग्र ग्रॉसबेरी ये सब क्या होता है इन लोगों का कोई बैकबोन नहीं होता है ठीक है इन लोग ये सब चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे इन भर्टी ब्रेड बोलेंगे ठीक है आई होप ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड वा देख लेते हैं नेक्स्ट वन हमारा क्या है लैक ऑफ स्किल यानी कि जिसके पास स्किल नहीं होता क्या होता है स्किल नहीं होता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे इनएप्टस क्या बोलेंगे इनएप्टस यानी कि अयोग्यता यानी कि जो योग्य नहीं है यानी कि जो राइट right पर्सन नहीं है काम करने के लिए वो इनएप्ट होगा क्या होगा इनेप्टनेस होगा यानी कि लैक ऑफ स्किल होगा जैसे कि आप लोग देख लीजिए ये क्या होता है ये एक टेलर का, का काम करना चाहता है ये लोग इसको क्या दिया गया ये देखिए इसके पास स्टेप है इसके पास कैंची है इसके पास सिलाई के लिए सब कुछ सामान है इसको बोला गया है इस कपड़े से क्या करने के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए मैंने करने के लिए ये क्या कर रहा है अपने आप को पहन के मतलब ऐसा करके वो ऐसे टाई कर रहा है जो कि गलत चीज़ है यानी कि ये क्या है ये क्या होगा ये कभी टेलर नहीं हो सकता यानी कि ये टेलर के लिए क्या अजग्य है या फिर इसका स्किल नहीं है टेलर होने के लिए एक टेलर जो क्लॉदिंग करता है इसके पास वो स्किल नहीं है यानी कि क्या होगा ये इनेफ्ट हो गया क्या होगा ये इनेप्टेस हो गया ठीक है आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका होगा अगर नहीं समझ में आ गया होगा अगर अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया है मैं आपको फिर और एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि आप लोग देख लीजिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी एक वार्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है नेपोटिज्म जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा आगे के सेशन में लिया हूँ मतलब आगे के सेशन में इसी सेशन में अगला वर्ड लिया हूँ शायद नेपोटिज्म क्या होता है नेपोटिज्म ऐसा होता है जो आदमी क्या करता है खुद का जान पहचान आदमी को मतलब खुद का जो भाई भतीजा होता है उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो लोग क्या कर सकते वो लोग लो आगे जा सकते अपने फील्ड में सपोज मान लीजिए एक सपोज़ मान लीजिए कोई एम है या या फिर कोई मिनिस्टर है या फिर कोई एम है अगर वो आज एम है अब जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा उसको तबीयत ख़राब हो जाएगा वो क्या करता है अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देता है क्या ट्रांसफर कर देता है उसका जो टिकट होता है वो पार्टी से बोल के उसको टिकट दिला के ऐसा भी हो सकता है उसका पिताजी जो थे वो एक अच्छा लीडर थे इसका कोई गारंटी नहीं है कि उसका सोन जो होगा या उसका जो बेटा होगा या फिर बेटी होगी वो भी उस लेवल तक क्या कर सकता है वो लोगों को गवर्न कर सकते हैं तो फिर क्या होगा ये आदमी अगर ये जो उसका पिता जो काम किए होंगे जो अच्छा अच्छा काम किए होंगे अगर इसको ये रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा उसका सन या डॉक्टर जो उसको रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा या फिर रिपीट नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा वो उसका इनिप्टनेस हो जाएगा वो अयोग्य साबित हो जाएगा यानी कि ये ये योग्य कैंडिडेट थे या फिर इनेप्ट मतलब अच्छे कैंडिडेट थे इनके लिए इसे दिया गया था इनके इन्फ्लुएंस में इसको टिकट मिला और ये आदमी जीत भी गया और अभी ये क्या कर रहा है उसको परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो फिर क्या होगा ये अयोग्य जैसा हो गया यानी कि लैक ऑफ स्किल उसके पास वो स्किल नहीं है जैसे कि पीपल मतलब लोगों का मैनेजमेंट कैसे कर सके या फिर लोगों को कैसे गवर्न कर सके हम लोग उस जगह पे भी यूज कर सकते हैं ठीक है आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियरली पता चल चुका होगा अगर फिर भी नहीं पता चला है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मैं अगले सेशन में और एक एग्जाम्पल के साथ इसे दूसरा बार आपको समझा दूंगा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन क्या है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन यानी कि आप प्रिपेयर नहीं करके गए हो स्पीच देने के लिए आपको तुरंत एक टॉपिक दिया जाता है आप लोग आप लोगों को एक तुरंत एक टॉपिक दिया जाता है मतलब ऑन द स्पॉट आपको उसमें बोलना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटेम पोर बोलेंगे क्या बोलेंगे एक्सटेम पोर यानी कि बिना तैयारी के जो स्पीच दिया जाता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे एक्सटेम पोर बोलेंगे जैसे तो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर कुछ डिबेट का कंपटीशन चल रहा है एक एक आदमी को बुलाया जा रहा है या फिर एक एक बच्चे को स्कूल में बुलाया जा रहा है उनको यहाँ पे एक चीट लेके मतलब तो यहाँ पे एक टॉपिक होगा उस चीट से उन लोगों को बोला जा रहा है आप लोग चीट लुठाइए आपके भाग्य में जो क्या निकलेगा आपके पास जो टॉपिक निकलेगा आप उसके ऊपर कुछ दस मिनट या पाँच मिनट का स्पीच दीजिए यानी कि ये क्या हो गया ये लोग क्या किए इनको एक्सटेम्पर बोला जाएगा यानी कि ये तैयारी नहीं करके आया है कुछ भी तैयार करके आए होंगे इनको टॉपिक के बारे में मालूम नहीं है सपोज मान लीजिए ये कुछ अलग तैयार करके आया होगा और उसका टॉपिक कुछ अलग आ गया होगा तो ये जो स्पीच देगा ये जो बच्चा जो स्पीच देगा उसको हम लोग क्या बोला जाएगा एक्सटमपोर बोला जाएगा ठीक है क्या बोला जाएगा एक्सटमपोर यानी कि बिना तैयारी के ये स्पीच दे रहा होगा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारे क्या है वन विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी यानी कि जो पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है जो पैसे के लिए किसी के भी लिए काम भी कर सकता है यानी कि उसका कोई लॉयलिटी नहीं है उसका लॉयलिटी सिर्फ पैसा के लिए यानी कि आप अगर उसको सौ रुपया दोगे आपके लिए काम करेगा कोई उसको डेढ़ सौ रुपया देगा उसके लिए काम करगा पैसा के लिए चेंज होता रहता है रहता है या फिर पैसे के लिए हमेशा काम करता रहता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे मर्शीनारी बोलेंगे क्या बोलेंगे मर्सी केवल धन के लिए कार्य करने वाला यानी कि पैसे के लिए सिर्फ काम करने वालों को हम लोग क्या बोलेंगे बोलेंगे जैसे देख लीजिए ये सोल्जर क्या है सोल्जर ही ये सिर्फ पैसा के लिए काम करता है ये कोई उसका कोई लॉयलिटी नहीं है ज्यादातर ये कहां देखने को मिलता है ज्यादातर ये यूएसए में देखने को मिलता है यूएसए में जो ज्यादातर सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो ज्यादातर मर्सीनारी होते हैं ज्यादातर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हर कोई होता है ज़्यादातर लोग मर्सीनारी हो सकते होते हैं जो कि सिर्फ पैसा के लिए मतलब कुछ भी डेंजर को सामना करते हैं और लोग वो लोग लो पैसा के लिए ही सिर्फ काम करते हैं ठीक है हम लोग उसको मर्सिनारी बोलेंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है ए ब्रेफ नोबेल माइंडेड और चिभा क्या होता है ए ब्रेफ का मतलब आपको साहस ही पता होगा नोबेल माइंडेड जो कि अच्छा काम करने वाला होगा या फिर शिवालियर रिश। शिवालय मतलब वो क्या होता है वो भी साहस जैसा होता है जो आदमी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे गैलेंट बोलेंगे गैलेंट से गैलेंटरी आया है आवड़ आया है आप लोग को पता होगा यानी कि वो बहादुर पर्सन होगा जैसे कि देख लीजिए ये कौन है ये नवजोत सिंह बल है कॉलोनल थे या फिर इनको क्या मिला गया है सौर्य चक्र मिला गया है इनका अभी तुरंत मतलब 9 अप्रैल 2020 को देहांत हुआ है मुझे तो इनके बारे में मतलब पूरा टॉपिक पता नहीं आप लोग इनके बारे में थोड़ा जाकर देख सकते हैं करंट अफेयर्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है इनको गैलेंटरी या फिर क्या सौर्य चक्र अवार्ड मिल गया है क्योंकि क्यों मिला है इनको बहादुरी के लिए यानी कि ये ब्रेव हुए थे और साथ ही साथ नोबल माइंडेड थे और शिवालियरियस पर्सन थे इसलिए उनको क्या बोला जाएगा गैलेंट बोला जाएगा यानी कि बहादुर बोला जाएगा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है ए पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सटेंट फ्रॉम अल्कोहल यानी कि जो आदमी क्या करता होगा जो पहले शराब पीता होगा अभी क्या कर रहा है वो दूर रहता है शराब से पूरा कंप्लीटली शराब से दूर रहता है यानी कि वो शराब को छूता ही नहीं है यानी कि वो शराब पीता नहीं है हम लोग उसको क्या बोलेंगे टीटो टॉलर बोलेंगे क्या बोलेंगे टीटो टलर यानी कि धूम्रपान और मदिरापान ना करने वाला व्यक्ति यानी कि जो आज के ज़माने पे अभी के सिचुएशन में जो पहले पीता था यानी कि धूम्रपान करता था या फिर मदिरापान करता था अब वो शराब नहीं पीता है या फिर वो अल्कोहल से अल्कोहल से दूरी बनाए रखा है या फिर अपसन करके रखा है उसको हम लोग क्या बोला जाएंगे टीटो टलर जैसे कि देख लीजिए ये लड़की क्या करे ये लोग क्या करे उसका जो गर्ल्स की गांग है ये लोग शराब पी रहे या फिर कुछ भी बिवरेज ले रहे ये क्या करे शराब होगा नहीं तो ये एक्चुअल नहीं होगा ये क्या कर रही ये कॉफी ले रहे है या फिर चाय ले रहे है तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे टीटो टलर बोलेंगे ठीक है आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है स्टिक विथ ए थिक स्टिक विथ ए थिक एंड यूज इन मोर्टार फॉर पाउंडिंग यानी कि जो कुटाई किया जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये क्या है ये मोर्टार है और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे पेस्टल बोलेंगे ठीक है मोटर पेस्टल होता है इसको कॉम्बिनेशन में लाया जाता है नहीं तो इसको लाके, लाएंगे तो इसका क्या इसका यूज नहीं रहेगा तो ये क्या यूज हो जाए इसका क्या यूज होगा तो दोनों कंबिनेशन में आता है मोटर और पेस्टल होता है जो नीचे वाला चीज होता है उसको हम लोग मोटर बोलते हैं और जिससे कुटाया जाता है यानी कि स्टिक विथ थिक एंड यूज इन मोटर फॉर पाउंडिंग यानी कि कुटाई करने के लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे पेस्टल बोलेंगे यानी इस चीज को फेस्टिवल बोलेंगे यानी कि बहुत ही आसान चीज़ था आप लोगों को सबको पता होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड का हमारा क्या है एन आक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये बहुत सिंपल है सबको पता होगा ये आसानी भी एग्जाम में आता है ये आया है इसलिए मैं इसको डाला हूँ अपने सेशन में यानी कि जो एक जगह से और दूसरे जगह को जाता है यानी कि ट्रैवल करता है हम लोग उसे क्या बोलेंगे जर्नी यानी कि यात्रा बोलेंगे द एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक ही जगह से दूसरे जगह को जाने को हम लोग क्या बोलेंगे जर्नी या फिर यात्रा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा ये ज्यादातर आपको एडिटोरियल में देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादातर देखने को मिलेगा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीशन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रादर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन क्या होता है आग किया जाता है या फिर लोग जब क्या करते हैं लोग वोट देते हैं किसके लिए वोट देते हैं एक आदमी के लिए नहीं वोट देते हम लोग जो वोटिंग करते हैं एक आदमी को एक सीट जिताने के लिए या फिर हमको गवर्न करने के लिए वोट देते हैं यानी कि जो हमारा जो नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल जो वोटिंग होता है हम लोग एक आदमी या फिर चार पाँच आदमी खड़े होते हैं एक ही सीट से हम लोग एक ही आदमी को या फिर किसी आदमी को वोट देते हैं जो आदमी ज़्यादा वोट देता है वो वो विनर होता है और साथ ही साथ वो स्टेट असेंबली As में जाता है या फिर क्या पार्लियामेंट में जाता है मगर ये क्या होता है ये पर्टिकुलरली ये लोगों से वोट मांगा जाता है किसके लिए ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पॉलिसी के लिए यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पॉलिसी के लिए अगर आप वोट दे रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेफरेंट बोलेंगे यानी कि जन मत संग्रह बोलेंगे जन्म लोगों का मत संग्रह किया जाता है लोग क्या सपोज मान लीजिए आप लोग मान लीजिए आर्टिकल थ्री सेवेंटी या फिर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस होता है ये तो बंद हो चुका है मगर मान लीजिए लोगों का वहाँ पे रेफरेंडम लिया जाता तो सपोज मान लीजिए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको वोटिंग करने के लिए दिया जाता है तुम लोगों को क्या चाहिए तुम लोगों को आर्टिकल थ्री चाहिए या नहीं चाहिए हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करें ठीक है आप लोग इसका कोई रियल के साथ कोई मीनिंग नहीं है मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ रेफरेंडम वर्ड का मीनिंग जानने के लिए अभी क्या होगा लोगों को बोला जाएगा ये पॉलिसी आपको चाहिए मतलब थ्री सेवेंटी चाहिए या नहीं चाहिए ये इस दोनों के अंदर आप लोग वोटिंग कीजिए यहाँ पर किसी पर्सन के ऊपर वोटिंग नहीं है यहाँ पर पॉलिसी को पॉलिसी के ऊपर या फिर सब्जेक्ट के ऊपर वोटिंग किया जा रहा है इस जो इस सब्जेक्ट के ऊपर या फिर पॉलिसी के ऊपर जो वोटिंग किया जा रहा है हम लोग उसको क्या बोला जाएगा रेफरेंडम या फिर प्ले बी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं और एक वर्ड देख लीजिए यहाँ पर साइड पर लिख देता हूँ प्ले बी सॉरी प्ले बी साइट सी आई टी प्लेबिसाइड उसको क्या बोला जाएगा प्लेबिसाइड भी, भी बोलते हैं या फिर रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह किया जाता है जैसे कि आप लोग देख लीजिए इस पिक्चर में या पर क्या किया जा रहा है रेफरेंडम दिया जा रहा है कुछ भी सब्जेक्ट के लिए या फिर पॉलिसी के लिए होगा ये कोई पर्सन के लिए नहीं होगा पर्सन के लिए नॉर्मल वोटिंग होता है जो हम लोग रेगुलरली वोट देते हैं पाँच साल में जो चुनाव के लिए वो वो चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है आई होप आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी यानी कि जो पब्लिक मनी होता है या फिर ज़्यादातर ये यूज होता है पब्लिक मनी के ऊपर या जो मतलब क्या उसको मिसअप्रोप्रिएशन यानी कि जिस जगह पे यूज़ करने के लिए पैसा आया है उस जगह पे यूज ना करते हुए उसको पैसा को हड़प ले जाना या फिर पैसा को खर्चा कर देना को हम लोग क्या बोलेंगे एम बेजलमेंट बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादातर आपको पी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये सब के बारे में ज़्यादातर देखने को मिलता है जहाँ पर पैसा को खाया जाता है यानी कि किस चीज़ के लिए सपोज़ मान लीजिए एक हज़ार करोड़ किस चीज़ के प्रोजेक्ट के लिए आया है मिनिस्टर्स लोग या फिर आई वगैरह ये सब जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये लोग उससे पैसा खा लेते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उससे पैसा खा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे एम्बेजलमेंट बोलेंगे अगर इसको हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे मैं हिंदी का वर्ड बोल देता हूँ उसको हम लोग आत्मसात बोलेंगे यानी कि धन हड़पना भी बोल सकते हैं जैसे कि आप लोग देख लीजिए पैसा किसी और के लिए आया है ये आदमी क्या करे अपने पॉकेट में लेके जा रहा है यानी कि ये पब्लिक गुड्स के लिए कुछ पैसा आया पब्लिक के लिए कुछ खर्चा होने वाला है ये उसको हड़प रहा है यानी कि ये क्या कर रहा है एम्बेजलमेंट ऑफ मनी कर रहा है यानी कि मिस अप्रोपिएशन कर रहा है जिस चीज़ के लिए आया है उसको यूज ना करते हुए दूसरे चीज के लिए यह पैसा अपने साइड से ले रहा है या फिर धन हड़प रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एम्बेजलमेंट बोलेंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन होना हमारा क्या है द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ अ किंग यानी कि एक राजा को आप लोग मार रहे हो यानी कि राजा को हत्या करने को क्या बोलेंगे रेजी साइड बोलेंगे यानी कि राज हत्या बोला जाएगा जैसे कि देख लीजिए ये आदमी क्या कर रहा है ये किस जगह का राजा थे या फिर किंग थे ये उसकी उनका हत्या कर रहा है क्या कर रहा है हत्या कर रहा है उनको मार रहा है यानी कि उसको डेथ पेनल्टी दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेजी साइड बोलेंगे क्या है बोलेंगे रेजी साइड बोलेंगे ठीक है आई होप आप लोग को ये बहुत आसान था समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट यानी कि एमिशन क्या होता है वो आता है क्या है यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमारा अर्थ है यहाँ पर क्या होता है इस सन के जो लाइट्स वगैरह या फिर जो किरणें वगैरह हमारे अर्थ के ऊपर आके गिरती है उसके सेंटर से हम लोग उसी जो किरण जो आता है उसी को हम लोग बोलेंगे रेडिएशन बोलेंगे यानी कि विकिरण यहाँ सन का जो किरण आके हमारे अर्थ के सर्फेस पर गिरता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे विकिरण बोलेंगे या फिर रेडिएशन बोलेंगे यानी कि आप लोग देख लीजिए एमिशन यहाँ पे ये यह एमिट कर रहा है यानी कि एमिट करना क्या छोड़ना यानी कि ये उसका जो किरण छोड़ रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर हम लोग उसको क्या बोलें? बोलेंगे रेडिएशन बोलेंगे यानी कि इसका जो किरण आके हमारे अर्थ सर्फेस पर पड़ रहा है विकिरण इसका या फिर उसको रेडिएशन बोला जाएगा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड यानी कि जिस चीज को बिलीव ना किया जा सके यानी कि वो बिलीवेबल नहीं है अनबिलीवेबल चीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनक्रेडिबल बोलेंगे क्रेडिबल मतलब क्या है विश्वसनीय क्रेडिबल मतलब क्या विश्वसनीय इनक्रेडिबल भी मतलब क्या अविश्वसनीय अगर कोई आदमी बोलेगा कि ये जो राइनोसर ये किसके तरह दिख रहा है ये राइनोसर का तरह दिख रहा है राइनोसर उड़ रहा है कोई आदमी आपको बोलेगा राइनोसर मतलब स्काई में उड़ रहा है इज इट पॉसिबल ये तो पॉसिबल नहीं है तो फिर ये क्या होगा ये एक इनक्रेडिबल या अविश्वसनीय बात हो गया क्या हो गया अविश्वसनीय बात या फिर इनक्रेडिबल चीज हो गया यानी कि दैट विच कैन नॉट बी बिलीव यानी कि जिस चीज़ को आप बिलीव नहीं कर सकते अगर बिलीव करते तो फिर क्रेडिबल हो जाता तो इन जो लगा है ये नेगेटिव प्रीफिक्स लगा है ये क्या हो जाता है नेगेटिव पे चला जाता है यानी कि अविश्वसनीय क्रेडिबल होता तो विश्वसनीय होता ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री जो काम लोग करते हैं जिससे लोगों के अंदर क्या बहुत घृणा होता है या फिर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे इन्फ्लामेटोरी बोलेंगे या फिर भड़काव वाला बात या फिर इन्फ्लामेटोरी बात बोलेंगे जैसे कि आप लोगों हो लो लो को पता होगा पॉलिटिकल पार्टी वगैरह जो होते हैं ये लोग हेड स्पीच देते हैं आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा मुझे पता नहीं हेड स्पीच क्या होता है ये लोग लोगों को उसकाते है मतलब हिंदू हिंदू को हिंदू लोगों को उसका कह जाता है मुस्लिम के अगेंस्ट मुस्लिम लोगों को उसका कह जाता है हिंदू लोगों के अगेंस्ट ये सब क्या होता है हेड स्पीच होता है यानी कि इन्फ्लामेटरी वर्ड्स या फिर भड़का वाली बात बोला जाता है कि हम लोग हिंदू लोग अभी हिंदू के जो देवता है या फिर हिंदू लोग खतरे में है मतलब हिंदू के जो लीडर्स वगैरह होते हैं कुछ होते है, सब नहीं होते कुछ लोग होते जो कि इन्फ्लामेटरी वर्ड्स देते हैं या फिर हेड स्पीच देते हैं वहाँ पर ऐसा भी होता है वो मुस्लिम्स लोग भी तो उनके जो मौला मौलानास वगैरह होते हैं या फिर उनका जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो लोग भी भड़काते रहते हैं मतलब समाज में क्या होते है क्रूएलिटी लेते हैं लोगों के बीच मतलब क्या होता है भाईचारा नहीं रखना चाहते इन लोग का उनको डायरेक्टली फ़ायदा होता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो दूसरे दूसरे धर्म के पर्सन धर्म ए धर्म बी के लोगों के फाइट होता है मगर उन हमारा हम लोग फाइट करते रहते हैं उन लोगों का कुछ नहीं होता है उन लोग तो अपने गेम के लिए आप उन लोग अपने गेम के लिए लोगों को भड़काने वाले बात या फिर हेड स्पीच देते रहते हैं उनको फ़ायदा मिल जाता है ठीक है तो फिर हम लोग को माइंडफुली सोचना चाहिए देखो कोई धर्म अच्छा नहीं होता कोई खराब नहीं होता हम लोग को ये जब जब प्रोपा लाइफ को प्रोपागेट करने का एक माध्यम होता है आप लोग को अच्छा लगता है आप जिस धर्म का भी यूज मतलब मान सकते हैं उनका किसी दूसरे को हेट नहीं करना चाहिए ये मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा भी बहुत सारे मुस्लिम्स दोस्त मैं हिंदू क्या होता है लॉट ऑफ रेस्पेक्ट उनके लिए है वो लोग भी मेरे रेस्पेक्ट करते हैं आप लोग ऐसा कीजिएगा किसी के लोग भड़काएंगे आपको गलत रास्ते में लेंगे आप लोग को नहीं जाना है अगर आप लोग पढ़ाई करते करने के बाद ये सब चीज़ में घुसते हो तो तो आप लोग जान सकते हो आप लोग क्या है मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ ठीक है यानी कि हम लोग सेशन पे लौट आते हैं तो फिर क्या होता है एक्शन दैट इज लाइक टू मेक पीपल वेरी एंग्री यानी कि जिस एक्शन से लोग बहुत एंग्री हो जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं उन लोग उसको क्या बोले इन्फ्लामेटरी बोलेंगे यानी कि भड़काओ वाला चीज बोलेंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या एक्ट ऑफ किलिंग क्या है एक्ट ऑफ किलिंग को क्या बोला जाएगा यूथनसिया या फिर इच्छा मृत्यु बोला जाएगा ये सिचुएशन कब आता है जब क्या होता है एक एक आदमी को जब मतलब बहुत पेनफुल कंडीशन में होता है उसका कुछ रिकवरी का चांसेस नहीं है वो जब मरे जब वो जो जब तक जिंदा है वो बहुत दर्द में जी रहा है उसका कोई रिकवरी हो ही नहीं सकता तो फिर क्या होता है वो आर्ट मोर्सी फिलिंग के लिए वो पिटीशन दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है अगर प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर मारेंगे उसको यूथेनसिया बोला जाएगा यानी कि उसको इच्छा मृत्यु देने के लिए ऑर्डर दिया जाता है दिया जा सकता है मगर हमारे कंट्री में ये प्रिवेलेंट नहीं है बाहर के कंट्री में कुछ कंट्री में है अभी मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल आई एम नॉट गेटिंग नॉट एबल टू रिकॉल दैट मतलब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है मेरे से रिकॉल नहीं हो रहा है किस कंट्री में था मगर कुछ कंट्री में यूथनसिया मतलब क्या है उनके ऑर्डर दिया गया आप लोग इच्छा मृत्यु ले सकते मगर अभी हमारे जो कंट्री में यूथानसिया का मर्सिगिलिंग का कोई रूल नहीं है या फिर इच्छा मृत्यु का कोई हमारा अभी तक रूल नहीं बना है ठीक है एक्ट ऑफ मर्सिगिलिंग का मतलब क्या है यूथानसिया जैसे कि देख लीजिए इस पिक्चर के माध्यम से ये आदमी का कोई रिकवरी का चांसेस नहीं है इसलिए इसको क्या किया जा रहा है इसको इंजेक्ट करके इसको कुछ इसको कुछ भी दिया जा रहा होगा जैसे कि ये आदमी क्या हो जाएगा कुछ ही दिन में मर जाएगा ठीक है यानी कि उसका पेन का कोई रिलीफ नहीं हो सकता तो फिर ये दर्दनाक लाइफ क्यों बचेगा इसको चलो इसको मार दिया जाए यानी कि ये खुद पिटिशन दायर करके देगा खुद अपने साइड से इसका फैमिली से लिखेंगे कि हमें और इसे नहीं चाहिए इसको इच्छा मृत्यु दे दीजिए ठीक है आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है ह्यूमर ऑस ड्राॅइंग डीलिंग विथ करेंट इवेंट्स और पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल साटायर होता है आप लोगों को पता हो ये वर्ड भी यूज होता है सा पॉलिटिकल सटायर मतलब जो पॉलिटिकली चीज़ को या फिर करंट इवेंट्स को क्या होता है आप लोग हिंदू एडिटोरियल में देखे होंगे जो एडिटोरियल होता है एक पेज यहाँ एक पेज ऐसा होता है दूसरे पेज में यहाँ पर क्या है कार्टून किया जाता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे कार्टून बोलेंगे ये तो कार्टून हो गया इसको साटायर भी बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा साटायर वर्ड इस ये आ सकता है कार्टून तो नहीं आएगा इतना बार साटायर आ जाएगा ठीक है उसको हम लोग कार्टून या फिर जो पॉलिटिकल ह्यूमरस ह्यूमरस का मतलब क्या रिडिकुल किया जाता है मतलब मजाक मजाक में बहुत कुछ बोला जाता है मतलब पिक्चर के थ्रू उसको हम लोग कार्टून या फिर सटायर बोल सकते हैं देख लीजिए जैसे कि ट्रम्प के बारे में ट्रम्प क्या बोल रहे टॉप सीक्रेट टॉप सीक्रेट बोल के क्लासिफाइड बोल के कॉन्फिडेंशियल बोल के खुद ही सब कुछ बोल देते हैं मीडिया के आके तो ये जो पिक्चर बनाया गया है या फिर जो सटारिकल पिक्चर बना है उसको हम लोग कार्टून से बता सकते हैं दुनिया को ठीक है आई होप आप लोग ये क्लियरली पता चल चुका होगा सटायर क्या होता है या फिर कार्टून क्या होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं ये आया था एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट वन वर्ड क्या है फेवरेटिज्म सोन बाय अ पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव ये तो आज के आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में है सबको पता होगा मैं सिर्फ पिक्चर लगा दिया हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा नेपोटिज्म क्या होता है यानी कि भाई भतीजा बात जो कि बॉलीवुड में हो या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में हर जगह पर प्रिवेलेंट है जो आदमी सपोज मान लीजिए मैं कभी सक्सेस बन जाऊंगा मैं क्या चाहूंगा अपने बच्चों को उसी जगह पे लगा दू जो कि नेपोटिज्म होगा जब एग्जांपल दिया ऐसा नहीं करने वाला हूँ जो जितना टैलेंट है उस अपने टैलेंट के दम पे चढ़ना चाहिए कोई किसी को बैकअप देगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा ठीक है तो फेवरेटिज्म पर्सन इन पावर टू इज रिलेटिव यानी कि वो जो पर्सन जो पावर में है वो अपने अपने रिलेटिव को क्या करा है फेवरेटिज्म दिखा रहा है उसी चीज़ को क्या बोला जाएगा नेपोटिज्म बोला जाएगा ये लोग क्या है टैलेंट के दम पर बॉलीवुड पर टिके है, ये लोग क्या है नेपोटिज्म के दम पे हैं इनका भी टैलेंट हम लोग ऐसा नहीं बोल सकेंगे इनका टैलेंट नहीं है मगर इनका जो ब्रेक्स मिला है इनको जो अपॉर्चुनिटी मिला है अगर ये अच्छे फैमिली से नहीं आते या फिर वेल टू डू फैमिली से नहीं आते शायद उनको वो मौका ही नहीं मिलता अगर आपको मौका नहीं मिलेगा मुझे इतना मालूम है मैं अपने लाइफ में जो दिखाऊँ अगर आपको कुछ मौका नहीं मिलेगा तो आप शायद अपने पास बहुत टैलेंट होगा आप दिखा नहीं पाओगे ठीक है आई होप इन नेपोडिज्म का मीनिंग तो आपको अच्छे से पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है राउंड अबाउट क्सप्रेशन यानी कि घुमा घुमा के बात को बोलना सीधे तौर पे बात ना बोलते हुए घुमा घुमा के बात को बोलने से क्या बोला जाएगा सर्क्यूम लोकेशन यानी कि शब्द बाहुल्य यानी कि बहुत शब्द का यूज करना छोटी चीज को यूज करके बोल सकते हो मगर वो घुमा घुमा के बोल रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर्क्यूम लोकेशन बोलेंगे जैसे कि मैं एग्जाम्पल एक, दूंगा आपको क्लियरली समझ में आ चुका यहाँ पर क्या है ये एक इरेजर है हम लोग सिंपली इसे लिख सकते हैं इरेजर मगर यहाँ पर क्या लिखा गया है मिस एप्लीकेशन एलिमिनेशन डिवाइस इसका कोई ज़रूरत नहीं था मतलब जो एप्लीकेशन मिस हो गया यानी कि कुछ गलत लिखा गया है उसको अगर हम लिभा रहे या फिर एलिमिनेट कर रहे उसको जो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे इरेज बोलेंगे जैसे कि आप लोग देख लीजिए ये क्या कर रहा है ये सर्क्यूल लोकेशन है ये जो चीज़ लिखा गया है ये सर्क्यूल लोकेशन है अगर इसको इसको डायरेक्टली लिखा जाता सर्क्यू लोकेशन हम लोग को पता होगा अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन मगर ये क्या किया गया यहाँ पर पूरा बहुत सारा वर्ड्स लिख के दिया गया है तो फिर ये क्या होगा ये हो गया एक्चुअली सर्क्यूम लोकेशन ठीक है आप लोग फिर एक बार और एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर क्या है हॉराइजेंटली ट्रैंक्यूलिटी टर्मिनल मतलब सिंपली इसको बेड बोल सकते हैं यानी कि सोने के लिए ट्रैकुल मतलब क्या पीसफुल ये फिर, क्या बोल रहा है हॉराइजेंटली ट्रैंक्यूलिटी टर्मिनल बोला है इसका कोई जरूरत नहीं था यानी कि ये क्या कर रहा है ये उसको शब्द बाहुल्य या फिर सरक्यूम लोकेशन करके बात को बहुत बात को बतंगड़ बना के बताया जा रहा है हम लोग उसको क्या बोलेंगे सर्क्यूम लोकेशन बोलेंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा कह सुटेबल और इंटेंडेड फॉर एनी यंग पर्सन यानी कि जो क्या होता है जुवेनाइल होता है देख लीजिए बहुत किशोर होता है जुवेनाइल और कि... दस से सत्रह एज के अंदर या फिर अठारह जब अठारह होता है उसको क्या बोला जाएगा वो अडल्ट हो जाएगा अठारह से अडल्ट हो जाता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट लिखा है तो फिर क्या हो गया सुइटेबल और इंटेंट फॉर एनी यंग पर्सन यानी कि यंग पर्सन या फिर जुबेनाइल और किशोर किशोर बोला जाता है दस साल से सत्रह साल के या फिर अठारह के अंदर जो होता है उसी पीरियड को जुबेनाइल बोला जाता है या फिर किशोर का लाइफ बोला जाता है या फिर उसको हम लोग उसी यंग मतलब एज को हम लोग जुबेनाइल बोल सकते हैं ठीक है अठारह के बाद आदमी अडल्ट होता है इसका कोई पिक्चर लगाने का मुझे कोई जरूरत नहीं लगा सिंपल चीज़ें सबको पता होगा इसलिए मैं इसका कोई पिक्चर नहीं लगाया ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है ड्रॉप विच कॉजेस पीपुल टू स्लीप स्लीपीली यानी कि जिस चीज़ से खाने के बाद आप लोग को बहुत नींद आता है आप लोग क्या होता है अच्छे से नींद आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सोपोरीफिक यानी कि नींद लाने वाला आपको जो नींद जनरेट करता है नींद लाने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सोपोरोफिक पिलिंग पिल्स या फिर स्लीपिंग पिल्स बोल सकते हैं जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह होता है वो सोपोरिफिक होता है या फिर नींद लाने वाला चीज़ होता है ठीक है आई होप आप लोगों को ये बहुत आसान था क्लियरली पता चल चुका होगा अगर आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा है आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा आपको पता हो जाएगा ठीक है तो फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट वन वन वर्ड की तरफ चलते हैं ठीक है आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड हमारा क्या है द ब्रांच द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशल इन आर्ट जो आर्ट के जो ब्यूटी होता है जो आर्ट रिलेटेड जो ब्यूटी होता है उस उसका जो ब्रांच होता है उस फिलोसफी को जो पढ़ता है या फिर उसको जो स्टडी किया जाता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं एस्थेटिक्स यानी कि ब्यूटीफुल इन नेचर यानी कि आर्ट या नेचर के ऊपर जो ब्यूटीफुल चीज़ होता है उसको जो स्टडी किया जाता है उस फिलोसफी को जो स्टडी किया जाता है उसको क्या बोला जाएगा सौंदर्य शास्त्र या फिर एस्थेटिक बोला जाएगा ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है जैसे कि आप लोग देख लीजिए ये जो कितना ब्यूटिफुल है इसके ऊपर जो पढ़ाई किया जाता है इसका जो ब्यूटीफुल नेचर के ऊपर पढ़ाई किया जाता है उसको हम लोग क्या बोला जाएगा एस्थेटिक्स बोला जाएगा ठीक है यानी कि सौंदर्य आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आज के सेशन में जो नया नया वन वर्ड आपको देखने को मिलेगा इसका कोई रिपीटेशन नहीं किया हूं पिछले सेशन से आज तक जो भी वन वर्ड सब ट्यूशन पढ़ाया हूँ किसी का भी रिपीटेशन नहीं हुआ है मैं सिर्फ अलग 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 पूरा ईयर मार्क करके पढ़ाता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा अगर आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए क्योंकि मैं जब अगला वीडियो डालूंगा तो आप लोग को अच्छे से नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी गुड नोट के साथ एंड करते हैं तब तक के लिए घर में रहिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए धन्यवाद